नमस्कार किसान भाइयों, इस समय धान की जो फसल आपके खेतों में लगी हुई है और इस समय सबसे बड़ी परेशानी इस बात की आ रही है कि कीट बीमारियों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है और कुछ किसान भाई इसके बारे में चर्चा भी शुरू कर दिए हैं। तना छेदक, जिसको स्टेम बोरर हम बताते हैं, इसका प्रकोप शुरुआत दौर पे देखा जा रहा है, कहीं कहीं किसी किसी फसल में दिखाई भी पड़ रहा है। जैसा कि ये एक पौधा हमने अपने तना छेदक का नुकसान किया हुआ मैंने तोड़ा है, इसमें क्या है कि बीच में ही तने के बीच में बैठ करके और बीच वाले जो मुख्य तना है उसको कीट नुकसान पहुंचा देता है और इसमें इसका प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि बाद में किसान को पैदावार की काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है और ज़्यादा प्रकोप होने पर इसका कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है। तो शुरुआती दौर में ही किसान भाई इसके लिए CTPR प्लस थायो का प्रयोग 2 से 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं और दूसरे भी किसान भाइयों को इसका सुझाव दे करके इसका प्रयोग करने का सुझाव दे सकते हैं और जिससे अपनी फसल को वो इस प्रकोप से बचा सकते हैं। वैसे किसान भाइयों को तना छेदक के प्रकोप से अपनी फसल को बचाने के लिए CTPR प्लस थायो, ये नई तकनीक की ये कीटनाशक आई हुई है, इसका प्रयोग तो कर सकते हैं। साथ में फिप्रो हुआ, इसका फिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड इसका भी प्रयोग करके। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि जब भी किसान भाई अपना शुरुआत करें ये कीटनाशक दवाइयों का अपने खेत में, तो सबसे पहले खेत के किनारे जो मेड़ हैं उस पर ज़रूर उस कीटनाशी दवा का प्रयोग करें, क्योंकि आप बीच में खेत में अगर स्प्रे कर देते हैं तो जो भी कीट आपके खेत में होते हैं तो होस्ट प्लांट के रूप में जो मेड़ों पे खरपतवार होते हैं उसमें आके छिप जाते हैं। बाद में दवा का असर जब ख़त्म होता है फिर क्या होता है कि फिर वो मेड़ों से ही फिर के खेत में आपके घुसते हैं। तो दवाओं का लंबे प्रभाव के लिए इस तरीके से मेड़ों पर प्रयोग करना दवा का बहुत ही ज़रूरी होता है और आपसे निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि आप दूसरे किसानों को भी इस बात की जानकारी दें जिससे वो अपनी फसल को बचा सकें। धन्यवाद।